जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्रेष्ठ ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सकारात्मक ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज पॉजिटिव एनर्जी एट होम, और बहुत ही साधारण तरीके से जैसे हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं या शास्त्रों में लिख के वो चले गए हैं, और हमारे जो पूर्वज हैं वो भी इस चीज़ का यूज करते थे, उपयोग करते थे, दादा दादी नाना नानी भी करते हैं, अभी भी अधिकतर घरों में होता होगा। कलयुग बढ़ता जा रहा है तो नकारात्मक ऊर्जा, बात करें राहु शनि मंगल, ये नकारात्मक ऊर्जा के ग्रह हैं जो काफी पीड़ा पहुंचाते हैं, जिसमें राहु राक्षस ग्रह माना गया है। और आप देख रहे हैं हर जगह अधिकतर गंदगी ही फैलती जा रही है, तो अधिकतर जो समस्याएं हैं वो गंदगी की वजह से उत्पन्न हो रही है। तो सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए आपको घर की साफ सफाई रखिए। दूसरा, जो हमारे ऋषि मुनि करते चले आए हैं, दादा दादी नाना नानी भी करते हैं, आपको क्या करना है, जो गाय के कंडे होते हैं, उपले भी जिनको बोलते हैं, लेकर के आइए आप, अग्नि में जलाकर जब वो पूरा लाल हो जाए तब आप उस पर शुद्ध देशी घी से अगर धुनी लगाते हैं, पूरे घर में चक्कर लगाते हैं, तो उसकी जो पवित्र धुआं है, सुगंध है, वो पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज करेगी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएगी, राहु का असर कम होगा, अर्थात नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी है वो घर से पलायन कर जाएगी। तो शुद्ध देशी घी हुआ, ऐसे ही नारियल है उसका आप उपयोग कर सकते हैं, सूखा भी और कच्चा भी, कैसा भी आप नारियल आप धुनी दीजिए उसकी, वो भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जायफल, पीली सरसों और गुड़, तेज पत्ते, कर्पूर, काली मिर्च, लौंग, ये अद्भुत चमत्कार करती हैं। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो आपको 7 दिन में कम से कम एक बार अवश्य करना चाहिए, फिर आप इसका रिजल्ट देखिए कितना पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता है। घर में वाद विवाद रहता हो, घर में कोई बीमारी ज़्यादा रहती हो, गंदगी ज़्यादा रहती हो, तो आप ये प्रयोग कीजिए, कैसे देखिए आपके परिजनों, जितने भी परिजन हैं, परिवार के सदस्य हैं, सबको सद्बुद्धि मिलेगी, अच्छे विचार आएंगे। तो सबसे पहले तो साफ सफाई रखनी है, अगर लक्ष्मी वहाँ ही आती है, सुख समृद्धि वहीं आती है जहाँ सफाई रहती है। तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया ये साधारण तरीके होते हैं, और ये साधारण तरीके हैं, जैसे हम कपूर है, लौंग है, काली मिर्च है, पीली सरसों है, जायफल है, तेज पत्ता है, गुड़ है, नारियल है, शुद्ध देशी घी है, तो इनकी धुनी देने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। आपके जो कोई काम अगर कहीं भी रुक रहे हो तो सकारात्मक ऊर्जा से धीरे धीरे कार्य बनने लगते हैं। तो इन चीज़ों का ये फायदा है, अभी भी अधिकतर घरों में लोग करते होंगे, आप भी इसका फायदा उठाइए। सबसे सस्ते हैं जो भी आपके घर में अधिकतर उपलब्ध हो ही जाते हैं, कोई महंगी चीज़ नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बस ये करना है कि आप यूज कीजिए इसको, और इनका धुनी देने से, इनकी जो धुनी देने से हम जो हवन करते थे और इनकी जो हम धुनी देते हैं, इसे जो धुआं निकलती है,
पवित्र सुगंध निकलती है, तो वो जो वातावरण है, इस वातावरण में जितने भी विषाणु फैले हुए हैं तो सब नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध वास्तविक हवा हमको मिलती है। ज्यादा से ज्यादा आप तुलसा जी के पौधे का जल डालिए, वहां रहिए, तो कहते हैं कि सबसे पवित्र ऑक्सीजन पीपल है और तुलसा जी का जो वृक्ष है वहाँ से मिलती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको उगाएं, उनका पालन करें, फिर देखिए पॉजिटिव एनर्जी कैसे घर में बढ़ती है। अगर आप चंदन उपलब्ध हो सके तो चंदन से भी आप धुनी लगा सकते हैं, चंदन की लकड़ियों से, उससे आपके घर में गुरु बलवान होगा, अर्थात जो भी आपके पॉजिटिव ग्रह हैं वो बलवान होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है अगर आप चंदन का प्रयोग करते हैं। हल्दी, पीला चंदन, पीले फूल की इत्र डालकर आप तिलक लगाइए। सबसे पहले अपने यहाँ पर दोनों भौहों के मध्य में, गले, कंठ पर, नाभि पर आप लगाइए, इससे भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो ये साधारण उपाय है, कोई भी कर सकता है और करके अवश्य देखिए। और कहना चाहूँगा, जिसको भी अपनी जन्म कुंडली से कुछ पूछना है तो डिटेल आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। इससे आपको कोई भी समस्या आ रही हो, चाहे कैरियर की हो, चाहे किसी भी चीज़ की, आप पूछ सकते हैं, कोई धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी 3 सवाल आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और ये जानकारी जो है शास्त्रों से ली गई है, शास्त्रों में वर्णित है, आप इसको शेयर कीजिए लोगों के पास, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का उपयोग कर सकें। दोस्तों, फिर हाजिर होऊंगा एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।